सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर की जी की इंक्वायरी कर रही है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इस प्रकार की बात चल रही है, जो देश में अंदरूनी मामले में मत बोलो ऐसे कहते हैं उनकी इंक्वायरी, और जो स्वतंत्र देश में आजाद कश्मीर की बात करते हैं या आजाद कश्मीर के साथ साथ आसाम और उस भाग में को तोड़ना चाहिए ये बात करते हैं उनकी इंक्वायरी रोक देती है। ये कौन सी विडंबना है, ये कौन सा कलयुग है? निश्चित रूप से आपने विरोध तो जताया है, लेकिन अगला कदम क्या होगा? केवल अगर सरकार ने ये पापी कदम उठाया तो भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ उचित आंदोलन करेगी। महाराष्ट्र हैज इंडिकेटेड दैट देयर विल बी एन इंक्वायरी अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर इन रिगार्ड्स ऑफ द फार्मर्स प्रोटेस्ट, द ट्वीट। दिस इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रेनलेस गवर्नमेंट। दिस गवर्नमेंट डजंट अप्लाई द सिंपल ब्रेन एंड जुडिशियस माइंड। व्हाट वी सी दैट द ट्वीट व्हिच हैज बीन ट्वीटेड बाय ऑनरेबल सचिन तेंदुलकर जी और लता जी, दे आर ओनली सजेस्टिंग दैट नोबडी फ्रॉम द आउटसाइड द कंट्री शुड इंटरवीन और पोक देयर नोज इनटू आवर कंट्री एंड आवर ओन मैटर्स। इफ दे आर सेइंग सो, व्हाट इज देयर टू इंक्वायर अबाउट? एंड इफ दैट इज टू बी इंक्वायर अबाउट, देन व्हाई द इंक्वायरी हैज बीन स्टॉप्ड अगेंस्ट महक प्रभु हु वाज होल्डिंग द प्लाकार्ड इन द फ्री कंट्री अबाउट आजाद कश्मीर? Why this Maharashtra Vikas Agadi government has stopped that inquiry and made Mahek Prabhu a scot-free? If you can criticize about the tweet made by Sachin Tendulkar ji in his own personal capacity, why you are making free Mahek Prabhu for making an Azad Kashmir board visible for everybody and anybody? But Congress is stating that these celebs were forced, or they are not simple celebrities, they are the Bharat Ratnas. If somebody from politics goes to the cricket and talk about the cricket and become the BCCI president, then why not the Indian then captain can talk about our internal matters? If Mr. Pawar can speak about everything and anything, why cannot Mr. Tendulkar speak about the issues which are concerned with our country, and within the country it should be discussed? That's the simple thing we suggested. We feel that he has done a constitutional duty, and if such kind of things and inquiry goes, BJP will try and see that they can go for agitation.